ज्ञानधारा चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा प्रथम प्रश्न पत्र विषय इतिहास के भाग 38 तक का अध्ययन हम कर चुके हैं। भाग 38 के अंतर्गत हमने अध्ययन किया मराठा प्रशासन एवं शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में। यदि आपने इस भाग को नहीं देखा है तो इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप इस भाग को देख सकते हैं। आज भाग 39 के अंतर्गत हम अध्ययन करने वाले हैं पेशवाओं के काल में मराठा शक्ति, भाग 39। ध्यान देना, पेशवाओं के काल में मराठा शक्ति का। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संपूर्ण तैयारी हेतु आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब प्रारंभ करते हैं आज का यह भाग। ध्यान देना, पेशवाओं के काल में मराठा यदि शक्ति की बात करें तो पहले जो पेशवा बने शिवाजी द्वारा, जो पहला पेशवा नियुक्त किया गया वो थे बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा थे। 1699 से 1708 ईस्वी तक बालाजी धनाजी जाधव की सेवा में नियुक्त थे। धनाजी जाधव का पुत्र जो ताराबाई के साथ जाकर के बाद में 1708 में मिल गया वह था चंद्रसेन जाधव। तब बालाजी ने शाहू जी की सेवा आके ग्रहण कर ली। शाहू जी ने उन्हें 1708 ईस्वी के अंतर्गत शाहू जी ने उनको सेना करते का पद दिया और इन्हें 1713 ईस्वी में पेशवा बना दिया गया। अर्थात कहने का अर्थ है, बालाजी विश्वनाथ 1713 में मराठा साम्राज्य का पेशवा बना। बालाजी की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि बालाजी ने मुगल और मराठों के मध्य में स्थायी समझौता करवाया। मराठों और मुगलों के बीच में 1719 ईस्वी में संधि इन्हीं के प्रयासों से हुई। ध्यान देना, यह जो मराठा मुगल संधि हुई थी यह बालाजी विश्वनाथ और सैयद हुसैन अली के बीच में हुई थी। संधि का जो महत्वपूर्ण कारण था वह यह था कि मुगल बादशाह फर्रुख सियर जो थे उनको गद्दी से हटाना, यह इस संधि का प्रमुख कारण था। इतिहासकार रिचर्ड टेम्पले ने इस संधि को मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा करार दिया। जो ये मराठा मुगल संधि 1719 में हुई थी इसको रिचर्ड टेम्पले ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा, या इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा क्या है। अब हम बात करते हैं बाजीराव फर्स्ट के बारे में। बाजीराव फर्स्ट जो कि 1720 ईस्वी में मराठा साम्राज्य का पेशवा बना, बालाजी का पुत्र था यह और शाहू जी ने ही इनको पेशवा बनाया था। मराठा शक्ति अपने चरम उत्कर्ष पर बाजीराव प्रथम के अधीन ही पहुंच पाई थी। अर्थात जब मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव प्रथम थे तभी मराठा शक्ति अपने चरम उत्कर्ष पर थी। मराठा साम्राज्य के विस्तार के लिए इन्होंने उत्तर दिशा में आगे बढ़ने की नीति का सूत्रपात किया। ध्यान देना, उत्तर दिशा में आगे बढ़ने की जो नीति थी उसका सूत्रपात बाजीराव प्रथम के द्वारा ही किया गया था। कमजोर होते जा रहे मुगल साम्राज्य के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए बाजीराव प्रथम ने कहा था कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो बाद में अपने आप गिर जाएंगी। ये कथन था बाजीराव प्रथम का मुगल साम्राज्य के विनाश के प्रति। अब हम बात करते हैं शूकरखेड़ा युद्ध के बारे में। शूकरखेड़ा का युद्ध जो कि जून 1724 के अंतर्गत लड़ा गया था, यह शूकरखेड़ा का युद्ध निजाम उल मुल्क व मुबारक खां जो कि मुगल सूबेदार था उसके बाद बीच में लड़ा गया था। मराठों की दखलंदाजी से मदद से दक्कन पर निजाम उल मुल्क का कब्जा हो गया। अर्थात मराठों ने निजाम उल मुल्क की इस युद्ध में सहायता की।
अब हम बात कर लेते हैं डभोई युद्ध के बारे में। डभोई युद्ध 1731 ईस्वी में बाजीराव प्रथम और त्रियंबक राव धाबादे के बीच में लड़ा गया था। त्रियंबक राव धाबादे और बाजीराव प्रथम, धाबादे को पराजित कर सारे प्रतिद्वंदियों का बाजीराव प्रथम ने अंत कर दिया। अब हम देख लेते हैं वारना की संधि को। वारना की संधि जो 1731 ईस्वी में हुई, इसके अंतर्गत संभाजी सेकंड ने शाहू की अधीनता स्वीकार कर ली। भोपाल युद्ध, भोपाल युद्ध की बात करें तो मुगल बादशाह ने मराठों के विरुद्ध निजाम को 1737 ईस्वी में भेजा और इसमें बाजीराव प्रथम की जीत हुई, अर्थात विजयी रहे बाजीराव प्रथम। भोपाल युद्ध के परिणाम स्वरूप ही दुरई सराय की संधि हुई। दुरई सराय की संधि 1738 ईस्वी में भोपाल युद्ध के परिणाम स्वरूप ही हुई। बेसिन की विजय, बाजीराव की यह विजय पुर्तगालियों के विरुद्ध थी। ध्यान देना, बेसिन विजय बाजीराव प्रथम की पुर्तगालियों के विरुद्ध विजय थी। इस में बाजीराव ने पुर्तगालियों से शालसीट और बेसिन को छीन लिया। यूरोपीय शक्ति के विरुद्ध मराठों की यह महान विजय थी, अर्थात बेसिन जो विजय थी यह मराठों की यूरोपियों के विरुद्ध एक महान विजय थी। शाहू ने इसी जीत के बाद में बाजीराव प्रथम को योग्य पिता का योग्य पुत्र कहा था। बाजीराव प्रथम ने हिंदू पादशाही का ही आदर्श रखा। बाद में इसे बालाजी बाजीराव ने समाप्त कर दिया। हिंदू पादशाही ये जो आदर्श था, बाजीराव प्रथम के द्वारा जो आदर्श रखा गया था, इसको बालाजी बाजीराव ने समाप्त कर दिया। ध्यान देना, बाजीराव प्रथम जो थे ये मस्तानी नामक एक मुस्लिम महिला थी। उस मुस्लिम महिलाओं से संबंधों के कारण बाजीराव प्रथम काफी चर्चित भी रहे थे। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा भी बाजीराव प्रथम ही था। उन्होंने मार्च 1737 में दिल्ली पर आक्रमण किया और उस समय मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह। अंत में बाजीराव प्रथम की मृत्यु 1740 ईस्वी में हो गई। बालाजी बाजीराव ये मराठा साम्राज्य के अगले पेशवा थे, जो 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद में मराठा साम्राज्य के पेशवा बने। बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध हुए। साहू जी का दिसंबर 1749 में निसंतान संतान रहित ही निधन हो गया। अपनी मृत्यु के पूर्व उन्होंने राजा राम सेकंड को, जो ताराबाई का पौत्र था, उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। राजा राम सेकंड का छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक जनवरी 1750 को हुआ। अब हम बात कर लेते हैं संगोली की संधि के बारे में। संगोली की संधि 1750 में पेशवाओं और राजा राम सेकंड के बीच में हुई थी और इस संगोली की संधि की मध्यस्थता की थी रघुजी भोसले के द्वारा। इस संधि की शर्त थी कि मराठा छत्रपति नाम मात्र के राजा रह जाएंगे और मराठा जो शासन है, मराठा जो संगठन है, उसके वास्तविक नेता, मराठा साम्राज्य की वास्तविक शक्ति पेशवाओं के पास रहेगी और पेशवा का पद वंशानुगत रहेगा। अब मराठा राजनीति का केंद्र पूना बन चुका था। अब पेशवाओं को उखाड़ फेंकने व राजा राम सेकंड पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास ताराबाई द्वारा किया गया। शाहू ने सैन्य व प्रशासनिक दोनों ही विषयों में सर्वोच्च सत्ता पेशवाओं को प्रदान कर दी। अब हम बात कर लेते हैं झलकी की संधि के बारे में। झलकी की संधि 1752 ईस्वी में मराठों और निजाम के बीच में हुई। इसमें शर्त रखी गई, निजाम ने मराठों को बरार का आधा क्षेत्र दे दिया। निजाम ने मराठों को बरार का आधा क्षेत्र इस संधि के तहत दे दिया।
पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत के तीसरे युद्ध का मराठों से क्या संबंध रहा, इसको हम इसमें देखते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध जो 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया, यह युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में ही लड़ा गया। मराठा शक्ति का नेतृत्व कर रहे थे पेशवा बालाजी बाजीराव और इसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई। और इसमें हार को सहन नहीं पाने के कारण बाजीराव की मृत्यु 1761 में ही हो गई। झलकी की संधि बालाजी बाजीराव और हैदराबाद के निजाम के बीच में संपन्न हुई थी 1752 में। अब हम बात कर लेते हैं माधवराव नारायण प्रथम की। माधवराव नारायण प्रथम जो 1761 में पेशवा बने, ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगध बादशाह जिनको इन्होंने गद्दी पर बिठाया वो थे शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड को माधवराव नारायण प्रथम ने ही गद्दी पर बिठाया था। बाद में माधव नारायण नाम की हत्या इनके चाचा रघुनाथ राव ने करा दी थी। अब हम बात कर लेते हैं माधव राव नारायण सेकंड की। इनकी अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखभाल 12 भाई सभा करती थी। 12 भाई सभा 12 व्यक्तियों की 12 सदस्यों की एक सभा थी और यही इस माधव राव नारायण का सारा काम संभालती थी। माधव राव नारायण सेकंड 1774 ईस्वी में पेशवा बने थे। ये जो 12 भाई सभा थी इस परिषद के दो महत्वपूर्ण सदस्य थे वो थे महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। अब हम बात कर लेते हैं मराठा पेशवाओं के अंतिम शक्ति के बारे में। बाजीराव सेकंड ये मराठाओं के अंतिम पेशवा थे जो 1795 में पेशवा बने थे। अंग्रेजों की सहायता से ही दखलंदाजी से ही ये बाजीराव सेकंड पेशवा बने थे। मराठा पतन में इन बाजीराव सेकंड का सर्वाधिक योगदान रहा। इसके बाद में पेशवाओं का पद ही समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से आज इस पाठ के अंतर्गत हमने मराठा साम्राज्य और शिवाजी और पेशवाओं को संपूर्ण किया, समाप्त किया। यदि आप हमारे चैनल से नियमित रूप से जुड़े रहना चाहते हैं और समस्त प्रतियोगिता परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। इसी के साथ आप हमें अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नमस्कार।